दुखी तो होंगे आपके समर्थक, लगातार चुनाव प्रचार के लिए तैयार हो गए थे और कुछ हद तक कहा जाए तो आपकी दावेदारी बहुत मजबूत थी वहां से, ऐसे में ये खबर कैसा लग रहा है आप लोगों को? जो पार्टी का निर्णय है उसी पर हम लोगों को काम करना है, एनडीए का जो भी उम्मीदवार आएंगे उनको जिताना है। देखिए ओम प्रकाश जी ने एक बड़े हाथी को गिराया था शहाबुद्दीन के गढ़ में, सेंधमारी करके शहाबुद्दीन के घर में जीत दिलाई थी भाजपा को, ऐसे में आपको क्या लगता है कि वहां से अगर जदयू लड़ती है तो जीत जाएगी वहां से? एकदम एनडीए नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, ठीक है, इसलिए पूरे सिवान की जनता और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ता लग के चुनाव जिताएंगे फिर से जो भी उम्मीदवार आएंगे। आपको ऐसा नहीं लगता है कि अब फिर से एक बार सिवान में शहाबुद्दीन का दबदबा चल जाएगा? ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे, ठीक है, हम लोग होने नहीं देंगे क्योंकि सिवान की जनता समझदार है, जुझारू कार्यकर्ता है, यहाँ पे एनडीए के सब लोग मिलकर हम लोग सीट निकालेंगे। ऐसा खबर चल रहा है कि भीतरघात का आप शिकार हो गए हैं, अंदरूनी लोग ही आपके ही लोगों ने आपका टिकट कटवाने में कहीं ना कहीं रेकी की थी, क्या कहना चाहिए इस बारे में? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, 5 सांसद का टिकट कटा हुआ है, सब एडजस्टमेंट हुआ है, अब उस पर निर्णय जो पार्टी ली है उस पर हम लोग क्या टिप्पणी करें। मान लीजिए आप तो पार्टी के कैडर हैं, आप पार्टी के लिए करते हैं मगर कार्यकर्ता नहीं समझेंगे, कार्यकर्ता तो ऐसे में चुनाव भी हर बार होते हैं वो लोग आते हैं, तो क्या कहना चाहिए? अभी तो ऊपर की बात है, पार्टी जो निर्णय ली है हम लोग कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे और एनडीए को जिताएंगे। आगे की रणनीति क्या होगी? अब ओम प्रकाश जी एक बड़े कद्दावर नेता है, सांसद रहे हैं और सबसे बड़ी बात की भाजपा का पिलर धोया है उन्होंने इतने दिनों तक, अब आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति है कि शहाबुद्दीन की पत्नी को हराना, यही हम लोग का लक्ष्य है, यही इसी लक्ष्य पर हम लोग काम किए हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ाए हैं, जीते हैं जी, तो पूरा उम्मीद है कि इस सिवान की जनता फिर निर्णय लेगी या हिना साहब की जमानत जब्त करेंगी। निर्दलीय नहीं लड़िएगा इस बार? नहीं नहीं इस बार एनडीए के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है, यही संकल्प के साथ कार्य कर रहे हैं हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद से बात करने के लिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।